बनाओ अपने दिल को जैसा बनाया था अपने दिल को अल्लाह के नेक बंदियों ने हज़रत आयशा रवी अल्लाह अन्हा हज़रत उम्म सलमा रवि अल्लाह अन्हा नबी की असवाज मतहरात है रिश्ते के अतबार से सौकन होती है और सौकन का रिश्ता सारी दुनिया के रिश्तों में सबसे नाजुक रिश्ता है ये वो रिश्ता है जो दुनिया की कोई औरत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होती और याद रखो जिस रिश्ते को बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल नजर आता है वैसे नाजुक रिश्ते को अल्लाह के नबी के घरानों में निभाकर बताया गया कि तुम अपने एतबार से जिन चीजों को नामुमकिन समझते हो नबी के घराने की तो शान यह है कि उसको भी मुमकिन बताया और बड़े आला दर्जे पर निभा के बताया हज़रत उम्म सभी तैाला अम्मा जान आयशा की तारीफ़ें कर रही हज़रत आयशा रजी अल्ला तह अम्मा जान की तारीफ़ें कर रही हज़रत आयशा रजी अल्ला तहा फ़रमाती हजरत ज़ैनब बिन तजह रज़ी अल्लाह तह जो नबी की एक और जोज मोहतरमा है वो ये समझती थी अम्मा जान आयशा कि ज़ैनब मेरे मुकाबले की है क्या मतलब मुकाबले का कि जैनब रज़ी अल्लाह तह अल्लाह के नबी की रिश्तेदार होती थी और उनका निका आसमानों पर अल्लाह ने नबी से पढ़वाया था और उनके बारे में कुरान नाजिल हुआ था और देखने के अतबार से भी वो ख़ूबसूरत थी और जहीन थी और आमाल में सबक़त लेने वाली थी तो अम्माज़ान आयशा रजी अल्लाह त फरमाती है ख़ुद उनके दिल साफ थे इसीलिए जुमले बताए मैं ये समझती थी कि जैनब शायद मेरे मुकाबले में है मुकाबले का मतलब अगर कभी मौका मिले तो वो मुझसे आगे बढ़कर मुझे नीचे करने की कोशिश करेगी ये इंसानी बशरी तकादे के मुताबिक ख्याल था अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह फरमाती हैं कि जब अल्ला अम्मा जान पर तोहमत लगी और सुर नूर में वह आयात है कि जिसमें अम्मा आयशा रजी अल्लाह तह की तहमत की बरात अल्लाह ने बयान फरमाई इफ़ का वाक़ा पेश आया अम्मा जान फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्हु वसलम ने एक एक को बुला के पूछा हरत उमर को पूछा हितली को पूछा किसी ख़ादमा को पूछा कि कैसे है आयशा के बारे में तुम क्या कहते तुम क्या कहते पूछा हजरत ज़ैनब को भी बुला के पूछा कि अ ज़ैनब तुम आयशा के बारे में क्या कहती हो अम्मा जान आयशा रदी फरमाती है मुझे ऐसा ख्याल था कि शायद जैनब यह मौका नहीं छोड़ेगी कि मेरे बारे में कोई शिकायत कर दे ताकि मेरा मकाम नीचा हो जाए लेकिन हजरत जैनब रजी अल्लाह तहा ने अम्मा जान आयशा की वो तारीफें की या रसूल अल्लाह आयशा के जैसी औरत तो मैंने नहीं देखी वो इतनी पाकबाज वो इतनी बाहयाब वो इतनी अच्छी वो ऐसी वो ऐसी हदीस में तफसील मौजूद मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब मदान ऐा रज़ी फरमाती हैं अगर जैन अब चाहती तो इस मौके से फ़ायदा उठा सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं उठाया देखो मेरी बहनों इतना नाजुक रिश्ता है सौतनों का लेकिन वो नाजुक रिश्ता भी कामयाब है घराने नबूत का और आज ननंद भाव का रिश्ता नाकाम है या कामयाब है हमारे घरों का आज हमारे घरानों की देवरानी और जिठानियों का रिश्ता कामयाब है या नाकाम है हमारे घरानों का सास और बहू का रिश्ता कामयाब है या नाकाम है हमारे घरानों का सास का नाम लेते ही बहू के चेहरे की हंसी गायब हो गई पूरी अम्मा कहकुलिए जी उनका नाम अरे उन्हें आपके शौहर की अम्मा है क्या हुआ बहू का नाम लेते कि सास को बेचारे को खाली हार आना बाकी रहेगा सास को अब अम्मा कहकुलिए जी उसका नाम अच्छे वक्त में गते अरे तुम्हारी बहू जी उन्हें ले लेना उसका नाम ये दिला खराब है आज सास का दिल बहू से ख़राब बहू का दिल सास से खराब भावश का देवरानी जिठानी से खराब भावश का ननन से खराब ननंद का भावश से खराब देवरानी का जिठानी से दिल खराब जिठानी का देवरानी से दिल खराब मेरी बहनों जैसे हम फुंसी वाली सूरत लेकर नहीं रह सकते सड़े हुए दिल लेके कैसे रह सकते वो तो अल्लाह का एहसान है कि दिलों की सड़ावट की बदबू नहीं आती अगर दिलों की सड़ावट की बदबू आने वाली होती थी तो अल्लाह जानता हमारे दिलों की शान से हमारे करीब भी कोई आना गवारा ना करता इतने दिल सड़े हुए हैं हमारे देखो अपने दिलों की सड़ावट को हमारी जबान के कड़वे जुमले हमारे दिलों की सड़न को बताते हमारी आंखों के टेढ़े इशारे हमारे दिलों की सड़न को बताते हमारी बैठकों की कीमतें चकलियाँ ये बताते हैं कि आयशा ए असमा, ए ज़हरा जो तुम्हारा नाम हो तेरा दिल सड़ा हुआ है जो तेरी जबान से ते निकलने वाली कीमत चीख चीख के कह रही इसके ओढ़नी में बल जाओ इसके दुपट्टे में मत जाओ इस बहन की नमाजों में मत जाओ इस बहन के जिक्रों में मत जाओ ये धोखा देने में नंबर एक है ये जबान से शिकर करके धोखा देती है दस मिनट के बाद देखो गीबत करेगी बैठ के चकलियां करेगी बैठ के सा हुआ है दिल सड़ा हुआ याद रखो गुना के साथ नेकी का असर नहीं होता हजारों जिक्र कर लो गीबतों से नहीं बचोगे तो दिल मुनवर नहीं होगा